कहिए आज कचहरी में बहुत दिन के बाद पधारे हो महाराज। हाँ हम बता रहे भाई साहब कहा जरा आए हैं, भाई साहब के मौके पे हैं। कौन? अरे हमारे ढोला भाई साहब। मतन ढोला? हाँ। अरे कचहरी तो हमारी लगी है, तुम्हारा ढोला से क्या मतलब है? मतलब नहीं है, जैसे हमने सोचा कि पहले हम अपने चाचा के पास जाएंगे और बाद में भाई से मिलेंगे। अरे जो बात हो हमें बताओ, ढोला पर से क्या मतलब है? तुम्हारे लायक बात नहीं है। जो आज कचहरी में पधारे हो तो बात तुम्हें बताना होगा। मंत्री देखिए हीरा बन जाए, कैसे आए हैं कैसे नहीं पूछो जरा इनसे। हीरा बन जाए हमारे महाराज को पूरी बात बताए, आप कैसे आए हो, उसे न्यायमन हुआ है? हमें हमारे भाई साहब ढोलकपुर से मिलना था। अच्छा अच्छा। लेकिन चाचा जी कह रहे हैं ढोलकपुर मौके पे नहीं है, और जो बात बताने तो बताओ। हाँ, वो पूरी बात दे रहे हैं, हमारे महाराज को बताइए पूरी बात। सुनो चाचा जी, ये चोरी और नहीं भी चोरी है तो हमें बताओ क्या काम है? महाराज को पूरी बात बताइए। अरे चोर हाथ चाचा पन्ना पर आखिर लाल तुम्हारे देखो ऐसा है, आप नहीं भाई साहब यहाँ है तो ये पत्र आप पढ़ लीजिए, और हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमारी कोई लाज। ये तो पत्र देश पिंगुल का है। अबे तुम पर का यार आनो हमें भाई के मिलाए तो भाई के लिए पत्र है। अबे साले एक बात हमें ये बताओ, आप पिंगुल के लिए क्या करने गए थे? हम जाई बात है था भाई पूरी नहीं बताई पे भाई, लेकिन यही तो कि हम देश नर्वे से निकल के रहा लड़के बदिया लेके यहाँ तेरे बदिया लेकर मैं यहाँ से गया, और चलते चलते मैंने मेला और बाजार देखे बदियों की, और मैं धीरे धीरे जैसे नर्वे को पहुंच गया। आप व्यापार करने के लिए गए थे बिल्कुल, और वहीं अब पहुंच कर के फंस गए, लेकिन फंसे जाकर पिंगुल में तब मुझे ये पत्र मिला। अब हमें जो नहीं मालूम, लेकिन पिंगुल मेरे पत्र मिलो है, उसका नाम है मारू। सुनो मंत्री साहब, सीरा बंजारे को कचहरी में जाने मत देना। जाओ